हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट टाइप देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखना तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीएससी में हैं और माइनस सब्जेक्ट लिए हैं तो उनका सिलेबस सेम होगा। यहाँ से जो बीए का सिलेबस है वही बीएससी का सिलेबस होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ये आपकी बुक है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इस आपकी जो हिंदी की बुक है इसमें आपके 6-8 यूनिट हैं और 8 यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे, उनसे मैं चयनित क्वेश्चन करूँगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पिकअप किया है और ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन मान सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे आएगा आधुनिक काल में संक्षेपण का रूप कैसा है, तो आधुनिक काल में संक्षेपण का रूप कैसा है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हैं या वीडियो को पुश करके आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। और इसका आंसर ये क्वेश्चन है जो आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि आप पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें नोट एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो संक्षेपण का प्रयोग कहाँ होता है या अथवा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संक्षेपण के उपयोग पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसके बारे में लिख देना है, यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी आप देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2004 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। संक्षेपण का महत्व बताइए, तो संक्षेपण का महत्व क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर लिखने के बाद अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण कीजिए, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आएगा इसके बाद आपको आंसर में संक्षेपण लिखना होगा। ऐसा इतना क्वेश्चन आएगा, इसके बाद आप यहाँ पे इसका आंसर लिख पाएंगे। यहाँ पे आंसर करके दिया है संक्षेपण, इसके बारे में ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण कीजिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा गद्यावतरण, उसका आपको आंसर लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ज़रूर इनको एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाएं। और यहाँ पे आंसर करके आप लिख सकते हैं संक्षेपण इसके बारे में, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है और ये भी आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण कीजिए, तो यहाँ पर ये आपका दिया है गद्यावतरण और इसका आंसर आपको संक्षेपण हेडिंग डाल के लिख देना है, ठीक है। यहाँ से भी आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्य खंड का संक्षेपण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है गद्य, इसका आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे क्या आंसर उत्तर हो जाएगा, ये आपको जो इसको विस्तारित में दिया होता है उसको शॉर्ट रूप में लिखना होता है आपका। ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको शॉर्ट में ही लिखने होते हैं, ठीक है। वैसे अगर इसकी बुक आपने परचेज कर ली है तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे तो आप आंसर आसानी से लिख पाएंगे। हालांकि इन प्रश्नों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उन प्रश्नों को भी आप एक बार नोट डाउन करके लिख सकते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो इनको भी आप आसानी से लिख सकते हैं यदि आपने बुक परचेज करके नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्य खंड का संक्षेपण कीजिए, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कई बार देखो कितने बनते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्य खंड का संक्षेपण कीजिए, तो यहाँ पे एक गद्य खंड दिया है, इसका आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। अपने शब्दों में ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसी से बना बना के, ठीक है। और आपका अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आप एक बार लिख कर याद कर लेते हैं तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को लिख पाएंगे। और आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ देखिए पूछ रहा है, संक्षेपण लेखक की विशेषताएं बताइए, कुशल संक्षेपण के गुणों का वर्णन कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखो ये दो बार पूछा जा चुका है, 2017 में और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, कुशल संक्षेपण के गुणों का वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए आंसर करके और बहुत सारी हेडिंग बना के इसको आप बीच में लिखना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कई एक हेडिंग डालनी है, जैसे कि इसमें फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे डालनी है आपको सेल्फ कथा एवं बोध, सेल्फ कथा और सेल्फ और कथा का बोध। सेकंड है परिपक्व मस्तिष्क और पूर्वाग्रह रहित हो। नेक्स्ट है थर्ड
हेडिंग यहाँ पे संक्षेपक अच्छे भाषिक संस्कार और सुरुचि का हो, और नेक्स्ट है यहाँ पे धैर्यशील और विवेकशील। तो इसके बारे में आपको लिखना है, और इतना डिटेल के बारे में आप लिखने के बाद अपने शब्दों में भी इन्हें बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने कई बार एक बार पढ़ाओ इन्हें, बुक से पढ़ाओ या यहाँ से पढ़ लीजिए आप, ताकि कुछ इसके बारे में आप अपने अंदाज से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है। संक्षेपण के प्रमुख तत्वों तथा तत्वों पर प्रकाश डालते हुए इसका महत्व बताइए, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार, संक्षेपण के मुख्य तत्व क्या है स्पष्ट कीजिए, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है संक्षेपण की परिभाषा लिखिए और संक्षेपण के तत्वों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर देखेंगे 2015, 16 और 19, 2019 और 2018 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर याद कीजिए, आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि आज संक्षेपण के प्रमुख तत्वों के विवेचन या विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है संक्षेपण की परिभाषा डेफिनेशन, यहाँ पे आपको लिखना है आंसर, और इसके बाद आपको ये दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे हेडिंग बना के लिखने होता है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है वो आप याद कर लीजिए, ताकि आप इनके बारे में कुछ लिख सकते हैं। कई शब्दों के बदले महज एक शब्द का प्रयोग, यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है। सेकेंड हेडिंग है कि यहाँ पे वाक्यों के लिए शब्द समूह या पदों का प्रयोग, ठीक है। अगली हेडिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं अति व्याप्ति, फिजूल और वे मतलब तथ्यों का हिलोर पजोल कर निकालना, ये थर्ड और हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको संक्षेपण का महत्व लास्ट में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। आप इसको जो भी संक्षेपण का महत्व है, आप इसे एक बार पढ़ेंगे ना, रटेंगे नहीं, एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे, तो उसके बारे में आप पूरा लिख सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लिखना, एक बार इसे आपको पढ़ना ज़रूर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, लघुत्तरी क्वेश्चन थे, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार के मैं क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ, और आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी कराता रहता हूँ। तो अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।